शिमला नगर निगम के तहत मझियाट वार्ड के लोगों का सपना पूरा होगा। लोगों को अब जल्द ही एम्बुलेंस रोड मिलेगा। एम्बुलेंस रोड के निर्माण को लेकर बुधवार को जतोग रेलवे स्टेशन के आसपास के क्षेत्रों का रेलवे, नगर निगम और विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने निरीक्षण किया। नगर निगम शिमला के अंतर्गत मझियाट वार्ड में एम्बुलेंस रोड के निर्माण को लेकर बुधवार को रेलवे के अधिकारियों के साथ नगर निगम, राजस्व विभाग व आर्किटेक्चर समेत अन्य विभागों के अधिकारियों ने संयुक्त स्पॉट निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान जतोग रेलवे स्टेशन के आसपास के क्षेत्रों का मुआयना किया गया। अब सभी दस्तावेजों को तैयार कर जल्द ही रेलवे के ऑनलाइन पोर्टल पर एम्बुलेंस रोड के निर्माण को लेकर NOC लेने के लिए आवेदन किया जाएगा। इस मौके पर रेलवे की ओर से अभियंता कार्मिक दिवाकर, नगर निगम के अधिशासी अभियंता राजेश ठाकुर, पार्षद दिवाकर देव शर्मा, पटवारी और आर्किटेक्चर मौके पर पहुंचे और जहां से एम्बुलेंस रोड का निर्माण किया जाना है उन जगहों का मुआयना किया। मझियाट वार्ड के पार्षद दिवाकर देव शर्मा ने सिटी चैनल से बातचीत के दौरान कहा कि जल्द ही मझियाट वार्ड के लोगों का सपना पूरा होगा और उन्हें एम्बुलेंस रोड मिलेगा। कि काफ़ी लंबे अरसे से भाग संख्या 7 मझियाट नगर निगम शिमला एम्बुलेंस रोड को लेकर संघर्ष कर रहा था और इसी क्रम में विगत 1 अक्टूबर को हमें मजबूरन रेल तक रोकनी पड़ी और उसी क्रम में विगत 8 तारीख को अंबाला से रेलवे अधिकारी भी आए थे और उन्होंने पूर्णतया हमें आश्वस्त किया था कि आपको रेलवे रोड की सुविधा, एम्बुलेंस रोड की सुविधा रेलवे से दी जाएगी। इसी क्रम में आज हमने एक संयुक्त जाँच की है जिसमें रेलवे के अधिकारी भी मौजूद रहे हैं और निगम के वरिष्ठ अधिकारी ने अधिशासी अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, रेलवे से अभियंता कार्मिक दिवाकर जी भी इसमें मौजूद रहे हैं और काफ़ी सकारात्मक परिणाम आया है और हमने जिन आर्किटेक्ट को अपॉइंट किया था वो भी मौके पर मौजूद थे। मौके का निरीक्षण करने के बाद ये तय हुआ है कि विगत 2-3 दिवस में ये अपना जो है नक्शा बनाकर ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर दिया और बहुत जल्द जो ये समस्या बड़े लंबे अरसे से चली आ रही है इसका निदान हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।